वीडियो डालते समय चार सेटिंग आप ऑन कर लेंगे तो आपको असली व्यूज आने का मजा मिल जाएगा। यह तो अगर आप वीडियो अपलोड करते हैं या डालते हैं पब्लिक करते हैं, से पब्लिक करने से पहले आप अपने यूट्यूब वीडियो में चार सेटिंग को ऑन कर लेते हैं, जिसके लिए आप यूट्यूब चैनल पर ज्यादा ज्यादा व्यूज देखने को मिल जाएगा। 100% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। तो वीडियो अपलोड करने तक ही आप कुछ भी कर सकते हैं अपने वीडियो में। अपने वीडियो अपलोड करते समय जब वीडियो पब्लिक हो जाएगा उसके बाद आप उसके अंदर कुछ भी छेड़खानियां नहीं कर सकते हैं। तो वीडियो अपलोड करने से पहले चार सेटिंग को आप ऑन कर लेंगे, यूज कर लेंगे, जिसके लिए आपको यूट्यूब चैनल पर ज्यादा व्यूज आने का चांस बढ़ जाएगा। क्योंकि तो मैं पढ़ के लिए कर चुका हूँ मेरे तो, और कर रहा हूँ, और हमारे यूट्यूब चैनल पे व्यूज आ रहा है। जी हाँ, तो जैसे कि पहले 10 या 5 ही व्यूज आ रहा था, 2-3 व्यूज आ रहा था, और व्यूज आता ही नहीं था, व्यूज ग्राफ डाउन ही होता जा रहा था मेरे तो। और जिस दिन से मैंने ये चार सेटिंग को ऑन कर लिया है, जान गया है, समझ गया हूँ, जी हाँ दोस्तों, उसके बाद हमारा वीडियो पे व्यूज आता ही जा रहा है। जी हाँ, तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। आपको वीडियो पब्लिक करने से पहले चार सेटिंग को चेक कर लेना है कि हमारे पे ऑन है या नहीं है, यानी कि यूज है या नहीं है। चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। मैंने सीधा गया अपने YT स्टूडियो में, जहां पे आपको सीधा जाना है कि आपको कॉन्सर्ट को पब्लिक करना है, अपने वीडियो को पब्लिक करना है। सीधे जाना पे कॉन्सर्ट पे। या तो जैसे कॉन्सर्ट पे क्लिक करेंगे मेरे तो, जैसे ये वीडियो हमारे पे 23 घंटे पहले वीडियो अपलोड किया हूँ, 58 व्यूज आया हुआ है, और पहले वीडियो अपलोड किया था 1 दिन पहले सिर्फ 17 व्यूज आया था, फिर 36 आया है, फिर 160 आया है। तो इस वीडियो में हमने क्या किया है जिसके इस वीडियो पे 160 व्यूज आया हुआ है। जी हाँ, तो पहले सिर्फ 10-15 ही व्यूज आता था, बिल्कुल सच्चाई है मेरे दोस्तों, क्योंकि मैं झूठ कभी बताता नहीं हूँ, सच्चाई कि हमारे चैनल पे सिर्फ 10-5 ही व्यूज आता था। जी हाँ दोस्तों, आप हमारा वीडियो चेक कर सकते हैं कि कितना कितना व्यूज आया हुआ है। जैसे इस वीडियो को मैंने एक बार क्लिक किया, क्लिक करेंगे मेरे दोस्तों तो आपको जाना सीधा, पहले आपको देखना है कि हमारा वीडियो किस क्वालिटी में अपलोड हो गया है, यानी कि HD में या SD में। तो हमारा वीडियो HD और SD दोनों में अपलोड हुआ है, यानी कि हमारे वीडियो का क्वालिटी गुड है। ये पहला सेटिंग आपको चेक कर लेना कि हमारा वीडियो किस क्वालिटी में अपलोड हो रहा है। HD मिनिमम HD होना चाहिए। जी हाँ, तो मिनिमम HD होना चाहिए, मैक्सिमम 4K होना चाहिए। तो आपको देखना है कि हमारा HD में अपलोड हो गया। फिर आपको कॉलम पे क्लिक करना है। जैसे आप कॉलम पे क्लिक करेंगे तो आपको देखना है कि हमारा वीडियो किसके लिए बना है, हमारे दर्शक के पास पहुंचेगा वीडियो कि नहीं पहुंचेगा, इस पे सर्ट कर देना है। नहीं, ये बच्चों के लिए नहीं बना है, हमारा वीडियो जो है बच्चों के लिए नहीं बना है, इसको आपको देख लेना है। ये दो सेटिंग हो गया। आपको फिर जाना है उम्र से जुड़ी पाबंदियां, कि हमारा वीडियो 18+ के लोगों के पास ही सीमित रखे, यानी कि हमारे 18+ के ऊंचे के लोग ही देख सके, 18+ के नीचे लोग ना देखे तो ठीक है, तो इसको आपको सर्ट कर देना है। ये दो सेटिंग हो गया। फिर आपको जाना बैक, बैक जाना, फिर जाना है डिस्क्रिप्टिव लिंक में। जी हाँ, तो डिस्क्रिप्टिव लिंक में आपने फुल SEO किया है या नहीं किया, जैसे कितना हमने SEO करके रख चुके हैं कि हमारे YouTube चैनल पे कोई भी किस टॉपिक से सर्च करेगा तो हमारा वीडियो YouTube वहाँ पे रिकमेंड करेगा, यानी कि हमारा वीडियो सर्चेबल कंटेंट का भी है। इसको आपको देख लेना है, वीडियो डालने से पहले, पब्लिक करने से पहले देख लेना है, चेक कर लेना है। हैशटैग से, हमारे हैशटैग पर कोई क्लिक करेगा टेस्ट पॉडकास्ट को तो हमारे सीधा यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा। तो आपको हैशटैग को भी यूज करना है, आपको डिस्क्रिप्शन लिंक को भी, टाइटल कीवर्ड को यूज करना है। सही कीवर्ड आपको डालना है कि किस टॉपिक का आपका वीडियो, वही कीवर्ड आपको डालना है, कोई अलग कीवर्ड आपको नहीं डालना है। ये तीसरा सेटिंग हो गया। आपको सही जाना टैग में, टैग से ही आपके यूट्यूब चैनल पे सच से व्यूज आता है। सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए 2024, हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल, हाउ टू इंगेज सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, यूट्यूब पर व्यूज कैसे बढ़ाएं, इस तरह का कोई टाइटल सर्च करेगा तो हमारा वीडियो 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर, 10 नंबर के अंदर ही रैंक करेगा। तो इसको आपको चेक कर लेना, फिर देखिए आपके यूट्यूब चैनल पे असली व्यूज का मजा कैसे आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसको आपको देख लेना है। और मेरे तो टैग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कैटेगरी, कि आपका वीडियो किस कैटेगरी का है। आपका चैनल का कैटेगरी अलग होता है और वीडियो का कैटेगरी अलग होता है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे हमारा वीडियो कॉमेडी का, तो आपको कॉमेडी सर्च कर लेना है, खेल का तो खेल पे सर्च करना है, गेमिंग का तो गेमिंग को सर्च करना है, पालतू जानवर पे है तो पालतू जानवर पर सर्च करना है, मनोरंजन का तो मनोरंजन सर्च करना है, लोग ब्लॉग का है तो लोग ब्लॉग पे सर्च करना है। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा वीडियो किस कैटेगरी का है, तो आप सेलेक्ट करके रखेंगे, अपलोड करेंगे, पब्लिक करेंगे तो यूट्यूब समझेगा कि ये वीडियो लोग वालों के पास भेजना चाहिए।
यानी कि ये लोग ब्लॉग का वीडियो है, तो जो वीडियो लोग ब्लॉग का देखते हैं तो उनके पास यूट्यूब रिकमेंड करेगा आपके वीडियो पर, तो वहां से आपके यूट्यूब चैनल पे ज्यादा व्यू जाएगा। अगर आपका लोग ब्लॉग का वीडियो है, अगर आप कॉमेडी सजेस्ट कर लेते हैं मेरे दोस्तों, तो आपका वीडियो कॉमेडी वाले देखने के पास लोग वीडियो का यूट्यूब भेजेगा रिकमेंड, तो वहां से आपके यूट्यूब चैनल पे व्यूज नहीं आएगा, क्योंकि वो बंदा कॉमेडी देख रहा है, आपके यूट्यूब चैनल पे लोग ब्लॉग का वीडियो है, तो वो वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पे नहीं क्लिक करेगा, आपका वीडियो डाउन हो जाएगा, आपकी वीडियो को देखेगा ही नहीं। तो इस तरह आप अपनी वीडियो को ये चार सेटिंग आपको देख लेना है, चेक कर लेना है कि आप वीडियो अपलोड करने से पहले या पब्लिक करने से पहले आपको देख लेना है कि हमारे यूट्यूब चैनल पे कौन कौन सा सेटिंग ऑन है, कौन कौन सा सेटिंग को बंद है। और जैसे हमारा वीडियो टेक का है, तो विज्ञान एंड टेक्नोलॉजी पे हमने ऑन करके रखा है, इस तरह से आप यूट्यूब चैनल को ग्रो कर सकेंगे, आपके यूट्यूब चैनल व्यूज बढ़ा सकेंगे, इस तरह से आपके यूट्यूब चैनल भर भर के व्यूज आएगा। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर फॉलो कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।